सोगा जी इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ इस तरह की रील वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सो आप भी इस टाइप की रील वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की एडिटिंग सीखने के लिए आपको ये दो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। कैपकट एप्लीकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाके डाउनलोड कर लेना। टर्बो वीपीएन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड करके आपको वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करके आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर की तरफ न्यू प्रोजेक्ट इस पर आपको टैप करना है। देन आपको अपनी गैलरी में से अपनी वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करके ऐप अंदर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ऐप अंदर ऐड हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हो। तो आपको वीडियो को ऐप अंदर ऐड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर हमारी वीडियो ऐप अंदर ऐड हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हो। तो आपको ऐड कर लेना है। तो नीचे की तरफ आपको ओवरले इस पर आपको टैप करना है। देन ऐड ओवरले इस पर आपको टैप करना है। एंड आपको अपनी गैलरी में से ओरिजिनल रील वीडियो को सिलेक्ट करके ऐप अंदर ऐड कर लेना है। तो ये वाली रील वीडियो जैसे कि देख सकते हो, तो इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाके डाउनलोड कर लेना एंड ऐप अंदर ऐड कर लेना। एंड इसको आपको थोड़ा सा छोटा करना है, कुछ इस तरीके से। ये करके आपको इसको नीचे की तरफ ऐड कर देना है। तो इसके थ्रू हम एडिटिंग करने वाले हैं, तो आपको उसको ऐड कर लेना है। सो ये करके आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है। देन आपको वीडियो को प्ले करना है। प्ले करके देखना कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है छोटी वाली वीडियो के अंदर। तो जैसे कि देख सकते हो, छोटी वाली वीडियो के अंदर आपको स्टार्टिंग में ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड उसी के आगे आपको एक शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हम वीडियो को वापस से प्ले करते हैं एंड जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक शेक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको आ जाना जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है शेक इफेक्ट। तो यहाँ एक बार फ्रेंड्स आपको अपने वाली वीडियो पर टैप करना है एंड आपको इसको स्प्लिट कर लेना है। ओके, तो स्प्लिट करके आपको इसको वापस से प्ले करना है एंड वापस से देखना कि छोटी वाली वीडियो में कौन सा शेक इफेक्ट है। तो जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक शेक इफेक्ट और देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको वहीं आना जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है एंड वापस आपको अपने वाली वीडियो को स्प्लिट कर लेना। ओके, एंड वापस से आपको प्ले करके देखना कि शेक इफेक्ट है छोटी वाली वीडियो में आगे की तरफ या नहीं। तो जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे आपको वापस से शेक इफेक्ट देखने को मिल रहा है छोटी वाली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम वापस से वीडियो को स्प्लिट कर लेंगे एंड वापस हम वीडियो को प्ले करेंगे। ओके, तो आपको ये कर लेना एंड आगे की तरफ आपको कोई शेक इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। एंड यहाँ पे आपको छोटी वाली वीडियो के अकॉर्डिंग आपको अपनी वाली वीडियो को स्प्लिट कर लेना है यहाँ तक एंड इस वाले पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। ओके, तो आपको ये तीन स्प्लिट ऐड कर लेना है। तो ये करके आपको वीडियो की स्टार्टिंग माना है एंड वापस हम वीडियो को प्ले करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो, छोटी वाली वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे ब्लर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बट स्टार्टिंग में आपको ये एक ब्लैक इमेज देखने को मिलेगी। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको अपने वाली वीडियो पर टैप करना है एंड नीचे की तरफ आपको एनिमेशन इस पर आपको टैप करना है। एंड यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ इन वाले बटन को सिलेक्ट करना है एंड आपको इनको स्क्रॉल डाउन करना है। आगे की तरफ आपको थोड़ा सा आ जाना। ओके, सो यहाँ पे आपको आगे की तरफ एक एनिमेशन देखने को मिलेगा रोटेशन ओपनिंग नाम से, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको नीचे राइट वाले बटन पर टैप करना है। ये ऐड करके फ्रेंड्स आपको इसके अंदर अपने वाली वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में आपको ब्लर इफेक्ट को ऐड करना होगा, जैसे कि छोटे वाले वीडियो के अंदर देख पा रहे हो। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग माना है। देन नीचे की तरफ आपको इफेक्ट वाले बटन पर टैप करना है। देन वीडियो इफेक्ट इस पर आपको टैप करना है। तो ऊपर की तरफ आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले बटन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको सिलेक्ट करके फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कई सारे ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ऊपर की तरफ आपको हालो ब्लर इफेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको ऊपर राइट वाले बटन पर टैप करना है। तो इसमें ये ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो नीचे की तरफ आपको एडजस्ट वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको स्पीड को जीरो करना है एंड इंटेंसिटी इसको आपको फुल करना है एंड नीचे की तरफ आपको राइट वाले बटन पर टैप कर देना है। ओके, तो ये करके आपको इसकी लेंथ को यहाँ तक रखना है फर्स्ट स्प्लिट तक, तो आपको ये कर लेना है। सो ये करके आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको इस वाली वीडियो के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही आपको दो शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो पहला इफेक्ट तो यहाँ पे आपको जूमिंग टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर जो सेकेंड वाला है वो आपको दूसरा एनिमेशन देखने को मिलेगा जैसे कि देख सकते हो। तो इस वाले इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको वीडियो के बीच में आपको सर्कल टाइप का एक व्हाइट डॉट दिख रहा है, तो इसके ऊपर आपको टैप करना है। देन यहाँ पर आपको कई सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो आपको इनको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ पुली नाम से एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करके आपको ऊपर की तरफ राइट वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पर आपको सेकेंड वाली वीडियो क्लिप के ऊपर टैप करना है एंड नीचे की तरफ आपको एनिमेशन इस पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पर आपको इनको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आगे की तरफ एक एनिमेशन देखने को मिलेगा रोक वेरिटिकल नाम से, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको नीचे राइट वाले बटन पर टैप कर देना है। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो, तो आपको ऐड कर लेना है एंड यहाँ पर आपको एक इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा व्हाइट कलर का, तो जैसे कि देख सकते हो।
छोटे वाली वीडियो में यहाँ पे आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये वाला व्हाइट कलर का। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको नीचे इफेक्ट पे टैप करना है, देन वीडियो इफेक्ट इस पर आपको टैप करना है, एंड ऊपर की तरफ आपको नाइट कलर वाले बटन को सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ये जो इफेक्ट है इनको आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक इफेक्ट देखने को मिलेगा वाइब्रेशन फ्लैश नाम से, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको ऊपर राइट वाले बटन पर टैप करना है, तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो आपको ये कर लेना है, एंड इसकी लेंथ को आपको इतना रखना है जितना मैंने करा है। ओके, तो आपको इसको इतना रख लेना है। ये करके फ्रेंड्स आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है। ओके, एंड यहाँ पर आपको ये शेक इफेक्ट देखने को मिल रहा है इस वाली वीडियो के अंदर, वो इसके ऊपर आपको टैप करना है अपने वाली वीडियो के अंदर, एंड नीचे आपको एनिमेशन इस पर आपको टैप करना है, एंड यहाँ पर आपको इनको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाना है, तो यहाँ पर आपको आगे की तरफ रोग ओरिजिनेटर नाम से एक एनिमेशन देखने को मिलेगा, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको नीचे राइट वाले बटन पर टैप करना है, तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ, तो ये ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको वापस से जो व्हाइट कलर का जो इफेक्ट था तो उसको अप्लाई करना है, एंड यहाँ पर आपको वापस से ये व्हाइट कलर का इफेक्ट देखने को मिल रहा है इस वाली वीडियो के अंदर। यहाँ पर आपको इस वाले इफेक्ट को डुप्लीकेट कर लेना है, इस वाले इफेक्ट को छोटी वाली को, एंड यहाँ पर आपको इसको होल्ड करके यहाँ पे आगे की तरफ ऐड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, तो जैसे कि देख सकते हो इसमें ऐड हो चुका है, तो आपको ये कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक एनिमेशन देखने को मिलेगा जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ऐड करा था रोक वर्टिकल नाम से, तो उस वाले इफेक्ट को इसके अंदर अप्लाई करना होगा। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको वापस से वीडियो के ऊपर टैप करना है, देन नीचे की तरफ आपको एनिमेशन आपको टैप करना है, एंड यहाँ पे आपको इनको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको आगे की तरफ रो को वर्टिकल इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको नीचे राइट वाले बटन पर टैप करना है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो आपको ये ऐड कर लेना है, एंड यहाँ पे आपको आगे की तरफ फ्लैश वाला इफेक्ट देखने को मिल रहा है जो हमने यहाँ पे ऐड करा था। छोटे ये दो इफेक्ट है ये ऐड करे थे, आपको इनमें से एक को डुप्लीकेट कर लेना है, एंड इसको आपको होल्ड करके यहाँ पे ऐड कर देना जहाँ पे इफेक्ट आ रहा है वहाँ पे आपको इसको ऐड कर देना है। सो ये आपको कर लेना। ओके, सो ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको अपनी वीडियो के अंदर एक फिल्टर को ऐड करना होगा, तो उसको अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको इनको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको आगे फिल्टर वाले बटन पर टैप करना है, देन यहाँ पे आपको इनको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको आगे की तरफ मूवी नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कई सारे फिल्टर देखने को मिलते हैं जैसे कि देख सकते हो। बट यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ओपन हाइमर नाम से एक फिल्टर देखने को मिलेगा, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो इधर से आपको इसकी लेंथ को फुल करना है, एंड इधर से आपको इसकी लेंथ को फुल कर देना है। ओके, तो आपको ये कर लेना है। तो ये करके फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ ओवरले इस पर आपको टैप करना है, एंड जो ये रील वीडियो हमने ऐड करी थी इसके ऊपर आपको टैप करना है, एंड आपको इनको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको आगे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सटेंड ऑडियो नाम से, तो इसके ऊपर आपको टैप करके इसकी ऑडियो को आपको एक्सटेंड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी ऑडियो को एक्सटेंड करना है, एंड जो ये रील वीडियो ऐड करी थी हमने सिंपली आपको इसको डिलीट कर देना है। सो डिलीट करके फ्रेंड्स आपको ऊपर की तरफ एक्सपोर्ट वाले बटन पे टैप करना है, देन अपने वीडियो को आपको गैलरी में सेव लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप ये वीडियो क्रिएट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पे प्रेस करना, जिससे हमारे ट्रेंडिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को क्रिएट कर सको। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।